हेलो, गुड आफ्टरनून है या गुड इवनिंग है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और जा रहे हैं अपनी होली राइड पर। होली का मतलब होता है रंगों वाली होली, एक इंग्लिश वाला होली भी होता है। खैर छोड़िए, जाने दीजिए ये सब बातों को। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज है तारीख 6 मार्च 2023 और हम अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हैं आज जबलपुर से शाम को 5 बजे और जा रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ। और यही मेरा टाइम था निकलने का, मैंने पहले ही सोचा था कि शाम को निकलूँगा क्योंकि रात में मुझे हॉल्ट करना ही है। कल जो है फिर एक लंबा सफ़र होने वाला है। क्या टाइटल देखे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज कहाँ पे स्टॉप करने वाला हूँ। फ़िलहाल तो बहुत मज़ा आ रहा है, हल्की हल्की ठंडी हवा है, थोड़ा गर्म मौसम भी है और हम पूरा फुल पैक हो गए। देख लीजिए, ये पूरा एकदम फुल पैक हो गए हम जा रहे हैं। बीच में कुछ राइड्स हुई प्लान्ड अनप्लान्ड, लेकिन बस मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ओहो, पुलिस वाले खड़े हुए रोकने के लिए क्या भैया? रोकेंगे क्या सर? पूरे कागजात हैं मेरे पास। नहीं रोका, देख लिया और जाने दिया। और इस तरीके से जो है हम अभी क्रॉस करने वाले तिलवारा घाट। तो बेसिकली आज का शेड्यूल बहुत छोटा सा है, सिर्फ आज हमें जो है नागपुर पहुंचना है और रात में वहीं हॉल्ट करना है। कल सुबह थोड़ा सा विडम्बना चल रही है दिमाग के अंदर कि कहाँ जाएँ और कहाँ पर हॉल्ट करें। खैर इस बार जो है होली पर राइड करने महाराष्ट्र क्यों जा रहे हैं, लोग जनरली खेलने जाते हैं होली, लेकिन मैं होली से थोड़ा बच रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र क्योंकि मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में होली जो है वो बहुत कम खेली जाती है। तो चलिए वहाँ पे थोड़ा सा रंगों का प्रचार प्रसार किया जाएगा, वहाँ पर लोगों में उत्साह जो है उसको भरा जाएगा और खेली जाएगी होली। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। और ये है नर्मदा माई, नर्मदे हर, जय जय शिव शंकर, जय महाकाल। ये हम क्रॉस कर रहे हैं अभी तिलवारा घाट और बस मज़े आ रहे हैं पहाड़ियों के बीच, खूबसूरत। अरे यार ये राइड ना बहुत रोमांचक होने वाली है। क्यों? उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, क्योंकि आज जो रास्ता है ना एक नंबर रास्ता है। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारा रास्ता है। कई मैंने सिर्फ एक बार कवर किया है जब मैं रामटेक गया था, लेकिन ये जो है दूसरी बार मैं कवर कर रहा हूँ। ओह भाई साहब, बाकी रास्ते मैंने कम से कम 10 से 15 बार कवर किए हैं, चाहे वो रीवा वाला हो, कुंडम वाला हो, या मे बी शेपुरा वाला हो, या भेड़ाघाट वाला हो, या हो सकता है कि वो अपना रास्ता झांसी वाला रहली वाला ही क्यों ना हो। बहुत सारे बार कवर कर लिए, बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं दोबारा से मथुरा जाऊं और वही रास्ता कवर करूं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं धौलपुर से आया था उसी रास्ते से। खैर कोई नहीं, जो भी है अच्छा है, जैसा भी है। आज तो फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं नागपुर की तरफ, आज रात को नागपुर में ही हॉल्ट करेंगे। देखना है वहाँ पर एक हमारे दोस्त, उनसे मुलाकात हो पाती है या नहीं, बट ठीक है जो भी है जैसा भी है। मिलते हैं आपसे आगे थोड़ी देर के बाद, एक ब्रेक लेंगे तब आपसे और बातचीत करेंगे। और यहाँ पर हो गए हैं 100 किलोमीटर कंप्लीट और टाइम हो रहा है 6:30, अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट या 100 मिनट में शायद चल रहा है, ठीक है। और अंधेरा भी हो चुका है और आगे कहीं रुकने का मन तो कर रहा है। अभी जस्ट मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था जहाँ पर मैंने कॉफ़ी पी शिवरे होटल पर, और बस चले आ रहे हैं गाने सुनते हुए मस्ती के साथ, लेकिन बहुत ध्यान से चला रहे गाड़ी क्योंकि रात का हो गया है वक्त। अभी तो शाम चल रही है और धीरे 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 चलना है और आराम से पहुंचना है, क्योंकि सेफ पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये स्पीड ब्रेकर्स के कारण ऐसा होता है लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये स्पीड ब्रेकर होते हैं स्पीड को तोड़ने के लिए, और मेरे को लगता है यहाँ पर सब कुछ टूट जाता है। बहुत ही प्यारा कर्व और बहुत ही आराम से इसको हमें कर्व को काटना है। चलो फिर अब रात में क्या दिखाएंगे आपको, कहीं पर रुकेंगे ब्रेक करेंगे तो फिर पक्की आपसे बात करेंगे, या थोड़ी सी लाइट कहीं पर रहेगी तो वहाँ पे आपसे बात की जाएगी। फ़िलहाल तो यहाँ पे गानों का लुत्फ़ लिया जा रहा है, मज़े लिए जा रहे हैं। ओहो हो, क्या शानदार है, क्या शानदार है, बहुत ही बढ़िया जंगल एकदम सूख चुका है। दिन में आते तो गर्मी है ना बहुत जम से पड़ती, अभी तो ठीक है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे लग रहा है कि रात में मैं कुछ भी ठंड का लेके नहीं आया हूँ वैसे तो, पर ठीक है आई थिंक सस्टेन कर जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सच। तो बेसिकली ये जगह है जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ आज, इसका नाम है भुवनेश्वरी B9 रेस्टोरेंट। और ज़बरदस्त बात यह है कि इस जगह पर मैंने क्यों रुकना डिसाइड किया, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर रेस्टोरेंट भी था और रुकने की जगह भी थी। रूम मैं आपको दिखा दूंगा, रूम इज़ गुड। मेरे को लगता है कि यहाँ पर सबसे बढ़िया बेटर चीज़ यही थी कि आपको रुकने के लिए और खाने के लिए एक जगह मिल गया। काफ़ी रात हो गई थी, रात के 10:30 बज गए थे, इसीलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ।
और थोड़ा सा डिस्काउंट भी अपने को मिल गया है। तो बस अब यही जगह, ये बेसिकली नागपुर से आगे बढ़ेगा, अगर आप हाईवे या बाईपास पकड़ लेते हैं तभी आपको ये जगह मिल सकती है। अगर आप नागपुर के अंदर से जाएंगे तो आपको फिर ये जगह नहीं मिलेगी। और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है, काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक दादा खड़े हुए हैं, इन्होंने मेरी मदद की थी जब मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, तो इन्होंने मेरे मोबाइल की रक्षा की थी। और ये भाई भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। खैर यही सब चलता रहता है, यही लाइफ है, राइडिंग इज़ लाइफ। तो अभी तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं सोने के लिए, और खाना भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको प्रेफरेंस दे सकता हूँ कि आप यहाँ पर आके यहाँ की जीरा दाल वो ट्राई करें। जीरा दाल मतलब एक नंबर अल्टीमेट टाइप की जो दाल होती है ना, वो बनाई थी मस्त। क्योंकि मैं कभी प्रेफर नहीं करता पनीर या करी वगैरह, पेट ख़राब हो सकता है राइड के ऊपर, तो मुझे लगता है कि दाल से अच्छा कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ की जो जीरा दाल थी ना, अल्टीमेट निकली। अपन ने सिर्फ दो रोटी खाई लेकिन जीरा दाल के साथ खाई, मज़ा आ गया खाना खा के। और अभी जो है अपन यहाँ पर पहुँचने के बाद, अब अपन यहाँ से लॉग ऑफ करने वाले हैं और जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। तो रूम भी आपको दिखा देंगे, आई थिंक उतने पैसों में जो रूम मिला है वो काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि अब हम यहाँ से, अभी रात के 10:30 पौने 11 हो रहा है, थोड़ी देर में जाएंगे, फ्रेश व्रेश होंगे और सो जाएंगे। पार्किंग भी है, सबसे अच्छी बात हाँ यही है कि यहाँ पर पार्किंग भी जो है वो अंदर है, तो आपको टेंशन नहीं होती अपनी गाड़ी को लेकर। और यहाँ पर जो मैनेजर साहब है वो अभी है नहीं, लेकिन उन्होंने काफ़ी कंसेशन कर दिया मुझे, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब बंदे आते रहते हैं, राइडर्स लोग हैं आते रहते हैं, तो सब बातें चलती रहती है। लाइटिंग मस्त, मज़ा आ रहा है, अल्टीमेट अल्टीमेट। होली जो है इस बार तहलका होली होने वाली है, अलग तरीके की होली होने वाली है, खेलने वाली होली नहीं होने वाली है, मज़ेदार होली होगी। ये हमारे मैनेजर साहब हैं और जिनके यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। सर नाम बता दीजिए अपना। संजय एरने। संजय एरने, एरने, एरने। ओके, तो जो खाना था ना वो बहुत स्वादिष्ट था सर, थैंक यू सो मच। आइए सर, और नॉनवेज वेज बिल्कुल मिल गया, एक नंबर खाना मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ पे रेड वाइन कबाब, हरा चिकन बहुत फेमस है सर, सब कुछ सब कुछ। अगर आप कहीं लोकल से हैं तो आप आके खा सकते हैं, राइड कर रहे हैं तो भी आके खा सकते हैं, अपने पेट का बस आपको ध्यान रखना होगा। बाकी जगह बहुत शानदार है, एम्बियंस एक नंबर है। और इस जगह का नाम जो है वो B9 भुवनेश्वरी, अलायंस B9 से है। ये हाईवे पर ही है तो आपको ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसीलिए अब मैं आपको ले जाता हूँ रूम की तरफ। और ये भैया हैं जिन्होंने मुझे रूम जो है वो थोड़ा अच्छे में दिलवा दिया, तो अपनी काम थोड़ा बन गया। क्या है कि आगे भी अपन को ट्रैवल करना है, रुकना है, तो अपन थोड़ा बजट अपना संभाल के रखते हैं, इसलिए थैंक यू भैया। चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ रूम की तरफ और मैं दिखाता हूँ कि मेरा रूम जो है वो। ये इस जगह पर पार्किंग हो रखी है गाड़ी की, यहाँ पर लाइन से पूरे रूम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे रूम्स हैं यहाँ पर। और सामने था रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने खाया, ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, ये रूम्स हैं यहाँ पर, एक नंबर जगह है। मतलब शांति है, काफ़ी अच्छी है, सेफ है, सिक्योर है, कवर्ड कैंपस भी मैं बोलूँगा तो अच्छा है यहाँ पर। और ये एक बहुत ही शानदार रूम यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें टीवी है, ये आपका डबल बेड हो गया नाइट स्टे के लिए, यहाँ पर अटैच लैट्रिन बाथरूम भी है, तो ये स्पेस काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर आप डबल आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है। मैं इसको रेटिंग अगर देना चाहूँगा ना, 10 में से 10 नंबर, एक नंबर जगह रुकने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप डबल हैं यहाँ पर, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर रुकना तो बनता है मेरे दोस्त। लेकिन हम जा रहे हैं सिंगल, अकेले सोलो, तो अपन ने वहाँ पर अपना रूम है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ पर रुका हूँ। तो ये है अपना रूम जिसमें हम रुके हुए हैं, देख लीजिए एक बार अच्छे से, काफ़ी अच्छा स्पेस है। मुझे लगता है कि मुझे तो स्पेस से बहुत प्यार है, और मेरे लिए ये जो जगह है बहुत ही शानदार है। यहाँ पर आपको फैन मिल जाएगा, गर्मी में आ रहे हैं तो एसी रूम्स भी अवेलेबल हैं, बट यहाँ पर अभी काम चल जाएगा अपना, क्योंकि अपने पीछे कूलर भी लगा हुआ है। और ये पूरा स्पेस आप देख लो अच्छे से, शानदार जगह है। यहाँ पर वॉशरूम भी है अपने पास, काफ़ी साफ सफाई भी है। मैं बोलूँगा रुकने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती, बेस्ट जगह है। आज रात यहीं पर हम स्टे करने वाले हैं। तो फिलहाल तो हम आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं आपसे कल सुबह, जो है राइड पर हम मिलने वाले हैं और जाएंगे हम आगे की तरफ। इस बार होली जो है तहलका मचाने वाली है, तो मिलता हूँ मैं आपसे कल सुबह। गुड नाइट आज रात के लिए।